में है द फुलझड़ी का कल आज का कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। अक्षय कुमार ने पूरी की राम सेतु की शूटिंग, कोहली इस समय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उम्मीद है कि वह जल्द ही फॉर्म में आ जाएंगे अगर करने कहा। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 भारत में 4 जगहों पर खेली जाएगी। भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना, मुद्रास्फीति प्रमुख जोखिम आर्थिक सर्वेक्षण में आया सामने। जो सोता रहता है उसे सपने आते हैं, जो जागता है वह संकल्प लेता है, पीएम मोदी का अखिलेश यादव पर तंज। वैश्विक निवेशकों ने भारत की विकास गाथा पर भरोसा जताया, राष्ट्रपति ने कहा। ऑल पार्टी मीटिंग में फैसला, 12 घंटे बजट पर और 12 घंटे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होगी चर्चा। केरल के मंत्री ने कानून के छात्र की आत्महत्या की उचित जांच का आश्वासन दिया। धारावी में 10वीं और 12वीं के एग्जाम ऑनलाइन कराने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। 94 साल की उम्र में प्रकाश सिंह बादल चुनाव लड़ने वाले सबसे उम्रदराज उम्मीदवार होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, अखिलेश यादव को उनके ही घर में हराएंगे एसपी सिंह बघेल। प्रधानमंत्री मोदी ने सामाजिक उद्यमिता में महिलाओं को अधिक से अधिक मान्यता देने का आह्वान किया। अखिलेश यादव ने भरा नॉमिनेशन खाते में 8,43,00,000 और 17.93 एकड़ जमीन का ब्यौरा दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा, लोगों के खून से रंगी समाजवादी पार्टी के नेताओं की टोपी। अखिलेश सरकार ने सिर्फ सपने दिखाए, डबल इंजन वाली योगी सरकार ने उन्हें पूरा किया, पीएम मोदी ने कहा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने नोएडा में घर घर प्रचार किया, कहा कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशी पंकज सिंह को निश्चित हराएगी। कानपुर में कांग्रेस ने कल्याणपुर से विकास दुबे कांड में मारे गए अमर दुबे की पत्नी की मां को बनाया प्रत्याशी। संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, कोरोना महामारी ने बहुतों से अपनों को छीना। तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र की उस रिपोर्ट को खारिज किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि पिछली अफगान सरकार के 100 अधिकारी अमेरिका से बाहर निकलने के बाद मारे गए थे। बिहार से पिस्टल लाकर दिल्ली मुंबई में सप्लाई करने वाले 5 असलहा तस्कर गिरफ्तार। भारत रूस ने नई दिल्ली में UNSC के मुद्दों पर विचार विमर्श किया। जयपुर हवाई अड्डे पर 25,37,865 रुपए के सोने के कैप्सूल के साथ व्यक्ति गिरफ्तार। बेटी को कांग्रेस का टिकट मिलने पर बोले मुनव्वर राणा, मैं सियासी नहीं हूं, मोहब्बत का पैगाम देता हूं। राहुल गांधी बोले, जनता टैक्स वसूली के बोझ से परेशान, मोदी सरकार को लोगों का दर्द नहीं दिखा। कर्नाटक हिजाब विवाद, स्कूल अधिकारियों ने छात्रों और उनके माता पिता संघ की बैठक, क्लास में एंट्री की फिलहाल इजाजत नहीं। पश्चिम बंगाल में कक्षा 8 से 11वीं तक के स्कूल 3 फरवरी से खुलेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने गवर्नर जगदीप धनखड़ को ट्विटर अकाउंट से ब्लॉक किया। मुल्लीबाई का मास्टरमाइंड वर्षीय नीरज विश्नोई अदालत में पेश, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। किशन बोलिया हत्याकांड को लेकर लोगों में गुस्सा, हिंदू संगठनों ने पूरे गुजरात में किया प्रदर्शन। यौन उत्पीड़न मामला, तरुण तेजपाल की बंद कमरे में सुनवाई की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जज का इनकार। अमेरिका ने गठबंधन सहयोगियों से जेल हमले के बाद IS लड़ाकों को सुरक्षित हिरासत में सुधार करने का आग्रह किया। यूपी विधानसभा चुनाव, राजनाथ सिंह 2 फरवरी को लखीमपुर पीलीभीत में प्रचार करेंगे। IPL 2022, लखनऊ सुपर जायंट्स ने टीम लोगो का अनावरण किया। उत्तराखंड में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, एक दिन में 1200 मरीज मिले, 10 लोगों की मौत। जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स फाइटर जेट टेक ऑफ के बाद रडार से गायब हो गया। पहली वर्चुअल रैली में बोले पीएम मोदी, 5 साल पहले दंगाई ही कानून में थे। रिलायंस ने राहुल मिश्रा से मिलाया हाथ। भारत में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 2,09,000 केस सामने आए, 959 लोगों की हुई मौत। बजट का असर, प्री ओपन में 2% से ज्यादा चढ़ा बाजार, सेंसेक्स 58,400 अंक के पार। प्रियंका गांधी 2 फरवरी को देहरादून और राहुल गांधी 5 फरवरी को हरिद्वार में करेंगे चुनावी दौरा। चुनाव आयोग का अहम फैसला, अब सभाओं में 500 की जगह 1,000 लोग हो सकेंगे शामिल। तमिलनाडु स्थानीय निकाय चुनाव में अकेले लड़ेंगी भाजपा। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री SP सिंह को करहल सीट से अखिलेश के खिलाफ दिया टिकट। मारुति फरवरी में लॉन्च करेगी नई वैगनोर R। पोर्शे टाइकन ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2.5 घंटे से भी कम समय में तय की 2,834 मील की दूरी। मारुति सुजुकी मार्च में लॉन्च करेगी नई इर्टिगा। वीडियो गेम अनुकूलन श्रृंखला हेलो ट्रेलर का अनावरण। WHO ने जम्मू कश्मीर को दिखाया पाक, चीन का हिस्सा। TMC नेता ने गृह मंत्रालय विदेश मंत्रालय से सवाल किया। विधायक पंकज गुप्ता का कथित लेटर पैड वायरल, उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की मां की आय लिखी 24,000, सफाई में कहा हमने कोई लेटर नहीं लिखा। संसद के संयुक्त सत्र में बोले राष्ट्रपति कोविंद, देश के कृषि निर्यात में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी,
5 साल पहले यूपी में बेटी घर से निकलने में घबराती थी, व्यापारी लूटते थे, वर्चुअल रैली में पीएम मोदी ने कहा। टीम इंडिया की कमान छोड़ने के बाद विराट कोहली का बड़ा बयान, कहा धोनी को देख सकते हैं, लीडर बनने के लिए कप्तानी की जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल चुनाव बाद हिंसा, सीबीआई ने सुप्रीम की याचिका का विरोध किया, कहा कि योजनाबद्ध राजनीतिक दंगों की बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश और ओडिशा हाई कोर्ट में नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश की। फ्लोरेक्सिस मीडिया ग्रुप ने भारत के शीर्ष 20 हेल्थ केयर अचीवर्स अवार्ड 2022 के विजेताओं की घोषणा की। पाकिस्तान की हुई इंटरनेशनल बेइज्जती, आतंकियों संग रिश्तों के चलते नए पाकिस्तानी राजदूत की यूएस में रुकी नियुक्ति। कानपुर सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, राष्ट्रपति कोविंद ने जताया दुख। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बीच सड़कें बाधित, बिजली पानी की आपूर्ति भी बाधित। और आइए अब जानते हैं 1 फरवरी का क्या है इतिहास। आपको बता दें, सन 1881 में दिल्ली के सबसे पुराने कॉलेज सेंट स्टीफन कॉलेज की स्थापना हुई थी। सन 1882 में नैन सिंह रावत 19वीं सदी के अंत में अंग्रेजों के लिए हिमालय की खोज करने वाले पहले भारतीय खोजकर्ताओं में से एक थे। सन 1884 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का पहला वॉल्यूम पब्लिश हुआ था। 1914 में अभिनेता अवतार किशन हंगल का जन्म हुआ था। सन 2003 में पहली भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन हुआ। सन 1930 में द टाइम्स ने पहली बार क्रॉस वर्ल्ड पजल को प्रकाशित किया। सन 1977 में भारतीय नौसेना तटरक्षक बल का गठन हुआ। तो ये थी अब तक की बड़ी सुर्खियां। आगे खबरों के लिए देखते रहिए द फुलझड़ी, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।